हेलो दोस्तों, RHA मशरूम स्पॉन लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है, जहां पर आपको मशरूम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में कि ऑयस्टर मशरूम से तैयार होने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं, जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि ऑयस्टर मशरूम से कौन कौन से प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं और इसको मार्केट में आप आसानी से सेल आउट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें होगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों मशरूम पिकल्स। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा ऑयस्टर मशरूम का अचार है। आपका जो ऑयस्टर मशरूम का अचार है वो हाईली डिमांडेबल होता है कि ऑयस्टर मशरूम का अचार आप बनाइए और इसको मार्केट में बेचिए। इससे आप लोगों को बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा होगा और कोई भी आपको मार्केटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ इस तरह की आपको पैकिंग रखनी है दोस्तों। सेकेंड नंबर पर दोस्तों हमारा आता है ये मशरूम वेफर। जी हाँ दोस्तों, ये है मशरूम के पापड़। आप लोग मशरूम के पापड़ भी बना सकते हैं। इसमें आपको जिस तरह की कुछ पैकिंग रखनी है, जैसे कि नॉर्मली आप लोग पापड़ जो बनाते हैं उसमें मशरूम का आप पाउडर ऐड कर दीजिएगा और ये मशरूम के पापड़ जो है आपके तैयार हो जाएंगे। ये भी दोस्तों खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और मार्केट में अच्छी इसकी प्राइस होती है, तो इसको भी आप बेच करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे कि मशरूम के बिस्किट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरह के मशरूम के बिस्किट्स की पैकिंग है ये, और आप मशरूम के बिस्किट बनाइए और इसको भी अच्छा मार्केट में रिस्पांस मिलता है और आप लोग जो है इसका प्रोडक्ट बना करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कुछ इस तरह के आपको मशरूम की पैकिंग रखनी है बिस्किट्स की, और बिस्किट कैसे बनेंगे, क्या करना है, वो मैं आपको अब वीडियो में बताता रहूँगा। अब ये है आपका दोस्तों, देखिए मशरूम एनर्जी पाउडर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके मशरूम एनर्जी पाउडर है। इसको आप लोगों को बनाना है और इसके बाद कैसे ये बनेगा, मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो डालूंगा जिसमें आपको कैसे इन प्रोडक्ट को तैयार करना है, ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अभी मैं आपको ये केवल मशरूम से जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये जिस तरह से एनर्जी पाउडर होता है, इसको यूज़ कैसे करना है, वो सारी आपको जानकारी मैं आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। आगे है दोस्तों, ये देखिए मशरूम नूडल्स। या दोस्तों, आपको मशरूम जो ऑयस्टर मशरूम होता है, ऑयस्टर मशरूम से आप नूडल्स भी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस तरह से कुछ मैगी जो है बोलते हैं लोग, तो इस तरह से आप इसके नूडल्स तैयार करिए और इसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है और इससे आप लोगों को कोई भी मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग बोलते हैं ऑयस्टर मशरूम बिकता नहीं है, तो दोस्तों आप लोग उसके प्रोडक्ट तैयार करिए, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में ईजिली सेल आउट होते हैं और इससे आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप मशरूम के नूडल्स भी बना सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मशरूम का फ्लोर। ये है दोस्तों, ये मशरूम का आटा है। आप जो है मशरूम का आटा भी बना करके मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। तो आटा बनाने के लिए दोस्तों नॉर्मली जो आटा होता है उसमें आप मशरूम का पाउडर ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि ये पाउडर की कुछ मैंने पैकिंग दिखाई हुई है। तो इस तरह से आप मशरूम का आटा बना करके भी जो है मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये हमारा मार्केट में अभी ये चल रहा है मशरूम के नाम से। तो ये मशरूम का आटा है दोस्तों, ये भी बहुत ही डिमांडेबल होता है, इसको भी आप बना सकते हैं। और आगे अब हम लोग देखेंगे कि आपका ये है मशरूम की नमकीन। जी हाँ दोस्तों, जो नमकीन भुजिया होती है उसको भी आप लोग जो है ऑयस्टर मशरूम की मदद से आप बना सकते हैं दोस्तों। सर दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारे ही प्रोडक्ट जो है ऑयस्टर मशरूम को ड्राई करके ही बनाए जाते हैं, कोई भी फ्रेश ऑयस्टर मशरूम से कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग जो है ड्राई ऑयस्टर मशरूम को बना सकते। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मशरूम की बरी। जी हाँ दोस्तों, ये जो मशरूम की बरी है वो जो आप लोग नॉर्मली जो आती है सोयाबीन की बरी, उसी से रिलेटेड आप मशरूम की बरी भी दोस्तों बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कई सारे प्रोडक्ट जो है ऑयस्टर मशरूम के तैयार कर सकते हैं। ये है देखिए दोस्तों मशरूम का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, मशरूम का पाउडर अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ड्राई ऑयस्टर मशरूम करिएगा। ड्राई ऑयस्टर मशरूम करने के बाद आप उसका पाउडर बनाइए, और पाउडर बनाने के बाद जो भी मतलब कंपनीज हैं जो कि मशरूम से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही हैं, आप उनको डायरेक्ट जो है मशरूम का पाउडर सेल करके भी अच्छी खासी कमाई इसमें कर सकते हैं और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर हो सकता है तो अगर आप मशरूम के प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होगा। तो हम लोग देखिए इस तरह से आप लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं और मार्केट में आपको बेचना है इन प्रोडक्ट को, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और इस तरह से आप मशरूम की खेती अगर आप करेंगे तो आपको प्रोडक्ट बना के उसकी खेती जो है आप बनाइए और आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। तो आज की दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी सारे ये प्रोडक्ट मैंने आज आपको दिखाए हैं, इन सब की जो अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और कैसे बनते हैं वो सारी जानकारी आपको दूंगा। और अगर आपको इसी तरह के मशरूम की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।